जंगल में मंगल है ताकि बुद्धि में याद रहे क्या इस जंगल के भी लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में क्या ये तो कोई जरूरी है यही प्रोग्राम रखना है हैं प्रोग्राम यही रखना ये जरूरी है चंडीगढ़ में जगह नहीं मिल सकती है? मिल सकती है लेकिन यहाँ क्यों रखा है यही प्रोग्राम क्यों रखते हैं अरे आध्यात्मिक कृषि फार्म के पास ही प्रोग्राम क्यों रखा हुआ है पैसों का योगदान जरूरी नहीं है कौन सा योगदान जरूरी है हैं बुद्ध योग का योगदान कि यज्ञ की प्रॉपर्टी बर्बाद न हो छोटे को तंग करेंगे छोटा प्राणी और बड़ा प्राणी होते हैं कि नहीं जैसे चींटी है और हाथी है और मनुष्य है तो किसकी हत्या कर देंगे तो ज्यादा पाप होगा हाथी और किस मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं वाह भैया हाथी में तो इतनी अकल नहीं होती है हाथी की आत्मा ज्यादा वैल्यूबल या मनुष्य की आत्मा ज्यादा वैल्यूबल अरे भगवान आता है तो हाथी में आता है या मनुष्य में आता है हैं मनुष्य में आता है तो भगवान मनुष्य को क्यों चुनता है ऊंचे ऊंचे उसकी वैल्यू ज्यादा होती है जो नीचे से नीचे कणकण जैसी आत्माएं हैं कणकण जैसा पार्ट बजाने वाले हैं एक ही जन्म लेते हैं आए और खलास हुए ऐसों में भगवान आता है क्या तो छोटा प्राणी और बड़ा प्राणी का मतलब क्या हुआ छोटा कर्म करे तो छोटा और बड़ा कर्म करे तो बड़ा नहीं समझ में आया कर्म के ऊपर सारा मदार है कर्म भी कोई जास्ती कल्याणकारी करते हैं कोई ऐसे होते कर्म तो बहुत करते हैं लेकिन उतने कल्याणकारी नहीं होते तो बड़ा आदमी कौन कहा जाएगा जो ज्यादा अच्छे कर्म करे जिससे सारी दुनिया का कल्याण हो जाए वो ही बड़ा है बाबा मुरली में बोलते हैं कि कृष्ण को सर्प ने डसा इसलिए काला हो गया हाँ माया का युद्ध नहीं हो रहा है कृष्ण के लिए कृष्ण की आत्मा अभी पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है पढ़ रही है तो युद्ध माया की युद्ध में युद्ध नहीं कर रही है क्या है कि पढ़ाई पढ़ाने वाला बन गई नहीं कर रही पढ़ाई पढ़ रही है ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है या पढ़ाई रही है वो समझती है पढ़ाई रही है वो गीता का भगवान है लेकिन हमारी बुद्धि में बैठा है गीता का भगवान कृष्ण उठ ब्रह्मा नहीं है गीता का भगवान तो परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ ही है कृष्ण का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता ब्रह्मा या विष्णु का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता किसका नाम जोड़ा जाता है शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है बाबा जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनका पूजन होता है तो छोटे छोटे लड़कों का क्यों नहीं होता अरे लड़के बड़े होकर के दुर्योधन दुशासन बनेंगे छोटे छोटे तो क्या हुआ स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? है चोला नहीं देखा जाता है तो फिर आपके हिसाब से लड़कों को सरेंडर कर लेना चाहिए छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोटी लड़कियाँ सभी तो नहीं ना बड़ी होकर के प्योरिटी में रहती जैसे सब जो शादी हो जाती है जैसे या कुछ भी आश्रम में आ जाएंगी तो पवित्र नहीं रहेंगी सभी तो नहीं ना आएंगी तो पूजन तो सभी का सभी से है। क्या सभी का थोड़ी पूजन होता है उनमें भी चुनाव होता है छोटी बच्चियों का तो छोटी बच्चियों का भी चुनाव होता है चुनाव करते हैं गुरु सन्यासी किस दृष्टि से चुनाव करते हैं कि 9 वर्ष का पवित्र 9 वर्ष का होगा तो दुनिया भी हवा नहीं लगी होगी इसलिए चुनाव करते बाबा रचयिता को जानना आसान है
लेकिन रचना को जानना आसान नहीं है कैसे। हाँ, पहली रचना कौन है? कृष्ण। कृष्ण पहली रचना है, कृष्ण अब्बल नंबर बढ़िया रचना है, लेकिन पहला नंबर रचना कौन है? अम्मा है या बच्चा है? अम्मा, अम्मा पहली रचना है, प्रकृति। क्या प्रकृति पति की पहली रचना है? प्रकृति की पहली रचना जिसे कहते हैं प्रकृति। कैसी कृति? प्रकृति। प्रकष्ट रूपेण ताकत लगाई गई है जिसकी रचना में, वंडरफुल रचना है, उसके राज को अच्छे अच्छे समझ नहीं सकते। सारी दुनिया का विनाश कराने के निमित्त है माया, सारी दुनिया का विनाश नहीं करा पाती, युद्ध तो बहुत करती है, सारी दुनिया को कंट्रोल में भी ले लेती है, लेकिन सारी दुनिया का विनाश नहीं करा पाती। कब कराती है? जब प्रकृति से हाथ मिलाई लेती है। पांच तत्व बहुत पावरफुल हैं, तो माया भी बड़ी पावरफुल बन जाती है। समझ में आया क्या है? हाँ, रचना जो है बड़ी प्रकष्ट रचना है, औरों की रचना में भगवान ने इतनी ताकत नहीं लगाई होगी एड़ी चोटी की। क्या कौन है पहली रचना? कौन है प्रकृति? जड़ पृथ्वी, जल वायु अग्नि आकाश, नहीं चैतन्य पृथ्वी माता, जो जगदम्बा है उसके निर्माण में, उसको तैयार करने में भगवान ने साकार रूप में आकर के जितनी ताकत एड़ी से लेकर के चोटी तक की इंद्रियों की लगा दी, जितना मिलन मेला जगदम्बा के साथ मनाया उतना मिलन मेला और किसी के साथ, उतना संग का रंग और किसी में नहीं भरा गया है। एड़ी चोटी की ताकत लगाई ना, तो उसका नाम क्या पड़ गया? क्या? प्रकृति। प्रकष्ट रूपेण कृति हुई है, रचना हुई है जिसकी। बाबा जो आज क्यों बारे बोले ना, क्यों बारे बोले ना, माउंट आबू में क्यों लगेगी? हाँ, वो किनके लिए लगेगी? किनके लिए लगेगी? नहीं मतलब बीके या सारी दुनिया के लिए लगेगी? सारी दुनिया के लिए लगेगी, सारी दुनिया को मालूम पड़ता जाएगा। गॉडफादर आया हुआ है, जो रूस के नास्तिक हैं वो भी एक दिन समझेंगे। क्या मजबूर हो जाएंगे जिन्होंने एटम बम बनाए हैं, सारी दुनिया का विनाश करने की ताकत रखते हैं। क्या वो भी समझेंगे? वो भी कहेंगे ओ गॉडफादर। अभी तो नहीं मानते हैं। किसको? अभी गॉडफादर को नहीं मानते हैं, अंत में जब मजबूर हो जाएंगे तो वो भी मानेंगे। वो मिलन मनाएंगे जी, वो भी हैं बाप से मिलन मनाएंगे अपने अपने तरीके से। क्यों में अब लगे होंगे? क्यों में लगे? कोई बुद्धि से ही क्यों में लग पाएंगे, कोई आंख से क्यों में लग जाएंगे? दूर बैठे हुए दूर से देख लिया। अरे जवाहरलाल नेहरू को सारे नजदीक से संपर्क में आते थे या नंबर बार होते थे? नंबर बार। गांधी जी को सबने देख लिया क्या? नहीं। बाबा जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें शंकर जी जो दिखाए हैं उसके जो सरके वाले हैं वो तो काले हैं, लेकिन जो मूंछे लगी हुई बुड्ढा शंकर जी नहीं दिखाते हैं जो क्या? मूंछे हैं वो सफेद हैं जी, सरके वाले काले हैं, एक रंग के क्यों नहीं बनाए? अरे वो बनाने वाले कौन हैं? है? भगवान के अपने हाथ होते हैं जो अपने हाथ से बना दे चित्रकार बन जाए? बनाने वाले चित्रकार बाहर से बुलाए गए या अंदर के थे? बाहर के थे। बाहर के थे तो कुछ भी गड़बड़ कर देंगे।
अर्ध विनाश क्या है? आधा विनाश होता है, पूरा विनाश नहीं होता है। जो त्रेता युग में होता है, हाँ, त्रेता के अंत में दुनिया का आधा विनाश होता है। आधा विनाश होता है तो क्या होता है, जो ऊपर की खानियां हैं, सोने महल माणियां, वो सब चले गए अंदर, और जब पत्थर की दुनिया आ गई बाहर, पहाड़ ही पहाड़, मिट्टी ही मिट्टी। और त्रेता के अंत में 10 करोड़ 9-10 करोड़ की बताते हैं ना पॉपुलेशन, हाँ जी। तो उसके बाद फिर संख्या में भी क्या कुछ कमी होती है? संख्या में कमी होती है, जब आधा विनाश हो जाएगा तो संख्या आधी नहीं रह जाएगी, है? संख्या आधी रह जाएगी या और बढ़ जाएगी? विनाश होता है तो आधी आत्माएं कम से कम अकाले मौत में शरीर छोड़ देती है। होती है देवात्माएं, लेकिन ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती है ना, तो विकर्म पाप कर्म करवाती है। वो पाप कर्म करवाएंगी तो एकदम बैलेंस बिगड़ जाता है। बाबा, जो आधी पॉपुलेशन रहेगी, जो 5 करोड़ रहेगी, जैसे समझो 4-5 करोड़ लगभग, 4-5 करोड़ जो आत्माएं बाकी होंगी, तो मतलब जो शरीर छोड़गी, वो आत्माएं फिर कहाँ चली जाती हैं? यही इसी सृष्टि पर रहती हैं। उनमें ऐसी बहुत सी हैं जिनमें ऊपर से आने वाले प्रवेश करेंगे, और जो नीचे वाले हैं वो भी प्रवेश करेंगे। क्या अकाले मौत में जिनका शरीर छूटता है वो श्रेष्ठ आत्माएं होती है या निष्कष्ट आत्माएं होती है? अकाले मौत में बाबा जिनका शरीर छूटता है, जब आधा विनाश होगा तो अकाले मौत होगा कि नहीं होगा? अकाले मौत हो जाएगा। देव युग में ही होगा ये अकाले मौत। देव युग कहाँ रह गया? देव युग तो खत्म हो रहा है, सीढ़ी का चित्र देखा नहीं क्या? उसमें आखिरी सीढ़ी का जो चित्र है त्रेता में, जो आखिरी सीढ़ी दिखाई है वो छोटी दिखाई है कि बड़ी दिखाई है? छोटी क्यों दिखाई है? कि त्रेता युग के सारे गुण खत्म हो गए, 8 कलाएं कम हो गई, बैलेंस बिगड़ गया। बाबा, जैसे सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो जैसे 84 जन्म इस धरा पर, जैसे मनुष्य चोले में तो रहती हैं गंदगी में, है? जैसे जो सूर्यवंशी जैसी आत्माएं हैं, है? वो 84 जन्म इस धरा पर जो बीज हैं मनुष्य सूर्यवंशियों में जो बीज हैं वो 84 जन्म इस मनुष्य चोले में ही तो रहते हैं इस धरा पर। अच्छा, सूर्यवंशी मनुष्य चोले में रहते हैं, और दूसरे वंश के जो हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं मनुष्य चोले में नहीं रहती हैं? तो बाबा मेरा प्रश्न वो नहीं है। हाँ, क्या प्रश्न है? ऐसा प्रश्न क्यों करते हैं? प्रश्न वो भाई ने जैसे निकाला था, कहने का मतलब उनको तो सूक्ष्म शरीर तो नहीं होगा इस तरह का। जो 84 जन्म लेने वाले हैं वो पक्के पक्के देवता धर्म के हैं या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं? जो पक्के पक्के देवता धर्म वाले होंगे वो अकाले मौत में शरीर छोड़ेंगे? प्रकृति उनके ऊपर हावी हो जाएगी? उनके ऊपर प्रकृति हावी नहीं हो सकती। दुनिया में सारी दुनिया का विनाश होगा, आधा विनाश तो दूर, तो भी उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। प्रकृति को उनके शरीर सुरक्षित रखने पड़ेंगे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। पहले जन्म की जो प्रजा होगी उसकी भी कोई खसूसियत होगी, जो और जन्मों की प्रजा में वो खसूसियत नहीं होगी। पहले जन्म की जो प्रजा होगी वो सब ज्ञानी तू आत्माएं होंगी। क्या बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं उनमें, आधे सूर्यवंशी और आधे चंद्रवंशी। बाबा, सीढ़ी के चित्र में आखिर की जो त्रेता युग की 3 सीढ़ियां हैं वो कटी हुई हैं, और जो द्वापर की हैं वो पहले वाली 2 भी कटी हुई हैं। त्रेता की जो 3 सीढ़ियां हैं लास्ट वाली वो कटी हुई हैं। नई दुनिया शुरू होती है तो उसमें बहुत थोड़े होंगे या ज्यादा हो जाएंगे? बहुत थोड़े होंगे। रावण राज्य भी जो होता है शुरुआत में उसकी भी संख्या थोड़ी होती है या ज्यादा होती है? दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं में से पसार होती है कि नहीं? तो रावण राज्य भी द्वापर के आदि में
सतो प्रधान होगा या सतो सामान्य या रजो या तमो होगा? सतो प्रधान होगा तो संख्या कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। बाबा एक मुरली में बोला कि जब दुनिया में मनुष्य गुरु इतनी गीताएं लिख सकते हैं तो क्या तुम बच्चे नहीं लिख सकते? तो लिखो ना, तुमको भी लिखने चाहिए। लिखो, अपनी कर्म कहानी से फुर्सत नहीं मिलती, दैया रेरा लगा हुआ है, लिखे कहो। कैसे लिखे बाबा? कैसे लिखे, जब लिख करके बाप बता देवे सारा, तो बाप शास्त्र लिखवाएंगे क्या? अरे वो धर्म पिता हैं और वो विद्वान पंडित आचार्य अपने अपने मत मतांतर के अनुसार गीता का अर्थ कर सकते हैं, हैं? तो हमारा तो सच्चा ज्ञान है, तो गीता का अर्थ हम अपने ज्ञान के अनुसार नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? प्रैक्टिस की बात है, कर भी सकते हैं और गीता के अनुसार लोगों को समझाए भी सकते हैं। और शास्त्र तो इतने सत्व प्रधान है नहीं, और गीता तो सर्व शास्त्र में ही शिरोमणि गाई हुई है। जो अच्छी कविता होती है उसके अनेक प्रकार से अर्थ हो जाते हैं। सच्चाई को एक प्रकार से ही सिद्ध किया जा सकता है कि अनेकों तरीके से सच्चाई सिद्ध किया जा सकता है? अनेकों तरीके से सच्चाई सिद्ध की जा सकती है। बाबा सतयुग में जैसे जैसे देवताओं को कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो जैसे प्रकृति दासी होगी, उसका शूटिंग यहाँ कैसे होगा संगम पर? आदमी की स्थिति में स्थित हो जाओ, सारे काम अपने आप होंगे, सेवा भी कौन कराएगा? तुम करोगे या बाप दादा कराएंगे? तो फिर ऐसे ही है, यहाँ आत्म की स्थिति में स्थित हो जाओ 24 घंटे के लिए, तो प्रकृति सतो प्रधान बन करके तुम्हारी सहयोगी बनेगी। नहीं बनेगी? बनेगी। ऐसे लगेगा जैसे सब काम अपने आप हो रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, कराने वाला कराए रहा। मेहनत तो महसूस करते हैं तो मोहब्बत की कमी है या मोहब्बत भरपूर है? भगवान की याद में मेहनत तब लगती है जब मोहब्बत पक्की नहीं होती, सच्ची नहीं होती। महाभारत पहले नहीं लिखा गया? पहले लिखे गए वेद। कहते हैं वेद वाणी ब्रह्मा के मुख से उच्छ्वास से निकली। हम कुछ भी बोलते हैं तो हवा उच्छ्वास, उच्छ्वास माने हवा, हवा बाहर निकलती है या अंदर जाती है? बाहर निकलती। तो ब्रह्मा ने जब बोला ना तो हवा बाहर निकली, तो जो जो ब्रह्मा की हवा बाहर निकली उसमें से वेद निकले। तो कहाँ की बात है? संगम की बात है, लेकिन वो वेद की भाषा समझ में ही नहीं आती किसी को। सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापते रहते। जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो अगर संस्कृत जानती हो और संस्कृत के समय की वो वैदिक भाषा उनकी बुद्धि में हो, ये पढ़ाई पढ़ी हो, तो उसके सही अर्थ कर सकती है। उन वेदों से फिर दूसरे दूसरे शास्त्र निकले। ब्राह्मण निकले, आरण्यक निकले, उपनिषद निकले, एक दूसरे की व्याख्याएं करते गए।
वेदों की व्याख्या है ब्राह्मणों में और आरण्यकों में की गई। आरण्यक ब्राह्मणों की, ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण वगैरह की जो व्याख्या है वो उपनिषदों में की गई, उपनिषद की व्याख्या फिर पुराणों में की गई। तो पुराण में पहला पुराण है महाभारत पुराण। बहुत समय की बात है, लंबे समय की। और वेद शास्त्र पुराण तो बहुत लंबे समय के बाद बनते हैं, पहले चित्र बनते हैं या पहले वेद शास्त्र बनते हैं, है? चित्रकारी हुई है पहले, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में चित्रकारों ने वो चित्र उकेरित किए, जिन चित्रों को देख देख करके फिर शास्त्र बनाए गए। 2500 साल पहले नहीं शास्त्र बने, ये अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं भी 2000 साल से पहले की बता रहे हैं, तो शास्त्र तो और बाद में बने। जब दुनिया का आधा विनाश हो जाता है तो दुख की दुनिया शुरू होती है। तो दुख की दुनिया में दिन गिरे जाते हैं, हिस्ट्री बनती है, या सुख की दुनिया में कोई हिस्ट्री दिन गिनता है? दुख की दुनिया में दिन गिने जाते हैं, तब ये हिस्ट्री शुरू हुई। वेद शास्त्रों में जिसमें हिस्ट्री दी हुई है पुरानी दुनिया की, राम का राज्य ऐसा था वैसा था, बाबा जैसे महाभारत में तो कुछ समझ में आ गया, तो ये जो पृथ्वीराज चौहान जो दिखा रहे हैं सीरियल में, इसका क्या रहस्य है? जैसे पृथ्वीराज चौहान हिस्ट्री की बात है, पृथ्वीराज चौहान की जो कथा लिखी है वो मनुष्यों ने लिखी है क्या? पृथ्वीराज चौहान वो प्रैक्टिकल में जो हुआ है वो कलयुग में हुआ है, कलयुग के आदि में क्या? और शास्त्र कब लिखे गए महाभारत? द्वापर के आदि में। तो बहुत अंतर होगा ना, हर जगह कष्ट ही कष्ट है उसको। किसको? पृथ्वीराज चौहान को सब लड़ाई करके। वो है कौन सी आत्मा? है राम वाली आत्मा? कोई बिना प्रूफ प्रमाण के ऐसे ही कह देगा तो कौन मानेगा? है जो ज्यादा कष्ट सहन करेगा वो ज्यादा सुख भी उठाएगा या नहीं उठाएगा? है सबसे ज्यादा कष्ट सहन करे तो सबसे ज्यादा सुख भी उठाए। अच्छा, जो सहयोगिता है उसका बाप ही उसको कहीं कारागार में दे रहा, कहीं कहीं कैद कर। अरे संगमयुग में देखो संयोगिता कौन है, संपूर्ण योगिता। योगी किसको कहते हैं? जो योगी सो सहयोगी। क्या? जो सबसे जास्ती सहयोगी बनता है कार्य में वो योगी है। तो जो राम वाली आत्मा है उसका सबसे जास्ती सहयोगी कौन बनता है? लक्ष्मी बनती है। जितना लक्ष्मी ने स्वर्ग बनाने में सहयोग दिया उतना और कोई भी सहयोग नहीं। तो सबसे अच्छी सहयोगिनी शक्ति कौन बनी? लक्ष्मी। तो संयोगिता कौन होगी? लक्ष्मी। संपूर्ण योगी बने तो संपूर्ण योगिता। लेकिन बुद्धि को भरमाती बहुत है माया। किसकी बुद्धि को? है? अरे संयोगिता की बुद्धि को माया ने भरमाया या नहीं भरमाया? तो अटल है बाबा, मैं तो अटल तो सब कुछ है दुनिया में। और पृथ्वी का क्या राज है? पृथ्वी चलो अब जितनी जितनी टीवी में बातें देखते जाते हैं उतनी उतनी बुद्धि में आती जाती है, लेकिन ये टीवी की बातें जो है सब सच्ची नहीं होती हैं। क्या? ये पैसा कमाने के लिए बनाई जाती है, तो उसमें झूठी बातें ज्यादा भरी हुई हैं और सच्ची बातें कम भरी हुई हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान उसमें तो बुद्धि को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाबा किसी मत के खिलाफ भी है, बाबा कहता है मेरे से नहीं, खिलाफ कुछ नहीं है। बाबा कहते तुम सिनेमा हॉल में जाके बैठ जाओ,
लेकिन इतना बुद्धि में ज्ञान भी तो हो कि सिनेमा हॉल में जो गंदे गंदे वाइब्रेशन फैलाने वाले गंदे लोग बैठे हुए हैं उनका असर तुम्हारे ऊपर ना पड़े, इतनी बाबा की गहराई से याद रहे। ताकत है नहीं और बैठ जाओ जाओ सिनेमा हॉल में। बाबा ने तो कहा कि सिनेमा हॉल और ये बायोस्कोप और ये उपन्यास जो आजकल लिखे जा रहे हैं ये तो आत्मा को सबसे ज्यादा गड्ढे में ले जाने वाले। हाँ ये है कि घर घर में बैठ करके जो टीवी में देखते हैं तो घर का वातावरण तो उतना खराब नहीं होता जितना सिनेमा हॉल का होता है। खराब होता है, है? उतना खराब नहीं होता है। तो संग का रंग वाइब्रेशन थोड़ा अच्छे होते हैं सिनेमा हॉल के मुकाबले। अगर होशियार आदमी है फिर भी अगर फिल्म देखेंगे टीवी में जो फिल्में बनाई गई है तो बुद्धि जरूर नीचे गिरेगी। वही याद आती रहती बाबा, है? वही याद आती। फिर बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। देखो चंडीगढ़ एरिया का बीज बहुत अनुभव करता है हर बात को। है बीज में जितना अनुभव होता है उतना और किसी में अनुभव नहीं होता है। पुरुषार्थ चाहे जैसा भी हो कोई हर्जा नहीं। बाबा जी लक्की बाबू भी फिल्में देखते थे क्या? है लक्की बाबू भी फिल्में देखते थे। तो सुंदरी का फिल्म देखा और बुद्धि खराब हुई। हाँ जी हाँ जी। बाबा एक चित्र में सरस्वती को प्रजापिता ब्रह्मा की मुख्य संतान बताया है। क्यों पहली संतान है नहीं मुखिया सरस्वती प्रजापिता ब्रह्मा की? हाँ जी। बाबा एक मुरली में बोलते हैं कि आज खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनकर आना पड़ा है। हाँ? तो सारी दुनिया विदेशी है कि स्वदेशी है? विदेशी। हाँ? विदेशी है। बाप भी जो पहला बीज है दुनिया का वो इस समय विदेशी है कि स्वदेशी है? हैं? बाप भी क्या बन करके आया हुआ है? विदेशी बन करके आया। तो सारे बच्चे ही क्या हो गए? सारी दुनिया के ऊपर विदेशियों की छाप पड़ गई। तो विदेशियों के लिए बाप विदेशी बन करके आए हुए। क्या हो गया? शरीर धारण करके सजाए देंगे ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ के चले गए तो बिना शरीर के सजाएं मिलेंगी नहीं। उनको भी कोई शरीर में प्रवेश करना पड़े और शरीर में प्रवेश करके फिर सजाओं का अनुभव करना पड़े। है कर्म भोग शरीर के द्वारा कर्म भोग नहीं भोगा जाता है। कर्म भोग की सजाएं उतनी सख्त नहीं है क्या जितनी धर्मराज की सजाएं हैं। एक सेकंड में जन्म जन्मांतर की सजा का अनुभव करेंगे कितना कष्ट होगा आत्मा को। आत्मा कष्ट तभी अनुभव करेगी जब शरीर में होगी। शरीर के द्वारा ही सजा देंगे ऐसे नहीं कि सूक्ष्म बतनवासी बन जाएंगे और सजा मिलती रहेगी। स्थूल शरीर धारण करा कर सजा दूंगा फिर बाबा भी स्थूल शरीर में आएंगे। हाँ जी हाँ जी। बाबा एक दे 500-700 करोड़ आत्माओं का क्या कॉम्बिनेशन है ये? हैं 500-700 करोड़ आत्मा बाबा बोलता है क्या मुरली में जब भी कोई बात आते हैं 500-700 करोड़ आत्मा बोलता है। बोलता है तो क्या 500-600 नहीं बोलता जब 500-550 नहीं बोलता माने आगे पीछे क्यों बोलता है? नहीं 500 कम ज्यादा क्यों बोलता है? इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों रखा है? हाँ इसलिए डिफेक्ट बताया है कि मनुष्य आत्मा है उसमें 500 करोड़ ही है। अच्छा तो 500 करोड़ हमेशा बोलते हैं और बाकी जो आते हैं बाद में वो कीड़े मकोड़े जैसे हैं। एक जन्म आए
थोड़ा पार्ट बजाया खेल खलास, उनमें ज्यादा बुद्धि होगी या 84 जन्म लेने वालों में ज्यादा बुद्धि होगी? हाँ, तो 500 करोड़ मनुष्य हैं, वो थोड़ा मनन चिंतन मंथन फिर भी करते हैं, और जो कीड़े मकोड़े हैं वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करेंगे, या जो ज्यादा जन्म लेने वाले हैं वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करेंगे? जो एक जन्म लेते हैं 200 करोड़ से भाई, एक जन्म लिया क्या है, पतंगे की मुआफिक है, रात में ढेर सारे पतंगे तैयार हो जाते हैं, सवेरे को सब सब खलास हो जाते हैं। जो आत्मा ये शरीर छोड़ती थी है, उसकी अगर याद आती है तो गए गड्ढे। अभी शरीर छोड़ने का टाइम है या शरीर के साथ पुरुषार्थ करने का टाइम है? शरीर छोड़ेंगे 5-7 साल रह जाएंगे सालिम बुद्धि बनने में, 5-7 साल में सालिम बुद्धि बनती भी नहीं, बाप को पहचानेंगे नहीं पूरा। तो ऐसों की याद करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो बोला ब्रह्मा बाबा जैसी श्रेष्ठ आत्मा की भी याद नहीं करनी चाहिए। तो ब्रह्मा के मुकाबले जो आप शरीर छोड़ रही हैं वो तो कितनी नीच आत्माएं हैं। अभी शरीर छोड़ने का टाइम है क्या? है अभी तो जितना जास्ती पुरुषार्थ हो जाए, भले शरीर लुंजुम पुंजुम हो, क्या शरीर सड़ता जाएगा, आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। शरीर बैल्यूबल है, शरीर बैल्यूबल है, अगर इसकी बचाव के लिए किसी को मारना पड़े तो पाप तो हो जाएगा फिर। क्या युगल है? शरीर वैल्यूबल है, हाँ, उसको बचाव के लिए किसी को मारना पड़ जाए तो पाप हो जाएगा। वैल्यूबल शरीर के बचाव के लिए किसी को मारना पड़े तो, अरे तो जो तुम्हें मालूम है कि जिसको तुमने मारा है वो वैल्यूबल नहीं है? वाह भाई, तुम तो त्रिकालदर्शी हो गए। किसी को तो किसी को वैल्यूबल समझ लिया, किसी को नॉन वैल्यूबल समझ लिया। छोड़ा तो मार देगा क्या? उसको छोड़ा तो उसको मार देगा। देखो जिससे लगाव लगा हुआ है वो श्रेष्ठ हो गया है, और जिसकी हत्या कर दी वो निष्कष्ट हो गया। ये फैसला किसने किया? तुच्छ बुद्धि ने फैसला किया या श्रेष्ठ बुद्धि ने फैसला कर लिया? एक तो हत्या करने का संकल्प आना, हत्या करना और अपनी हत्या करना या दूसरे की हत्या करना, ये संकल्प कैसा है? निष्कष्ट आत्माओं का संकल्प है या श्रेष्ठ आत्माओं का संकल्प है? संकल्प ही भ्रष्ट आत्माओं का है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। सुइसाइड करना, दूसरों की हत्या करना, ये ज्यादा दुख देने वाली आत्माएं हैं, कम दुख देने वाली आत्माएं? ये ज्यादा दुख देने वाली आत्माएं वो ही ऐसे काम करती हैं और ऐसे संकल्प करती हैं, हम मर जाएंगे, हम अपनी हत्या कर लेंगे। अरे कई आत्मा की हत्या होती है बाबा। हाँ। जो आत्मा लड़ रही है चाहे जैसी भी है, कितनी भी चाहे दुखी है, और लड़ाई लड़ रही है, शरीर छोड़ने का उसको संकल्प नहीं आता है, वो पावरफुल आत्मा है। बिल्कुल पावरफुल आत्मा, योद्धा तो है कम से कम, स्वर्ग में तो जाएगा ही जाएगा। पीठ दिखा के भाग खड़ा हो तो कायर है, और लड़ते 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 अपने आप शरीर छूट जाए तो क्या है? तो पावरफुल तो है, पावरफुल योद्धा है। हाँ, बल ऊंच पद नहीं पावेगा क्या? माया से विजयी होने वाले उनका ऊंच पद बन जाता है, क्योंकि विजय का नशा आता है। जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, उनके जन्मों की सूची कैसे होती है? यहाँ तो बाबा के बच्चे, 700 करोड़ जो आत्माएं हैं
वो लास्ट में उनको संदेश मिलेगा या अभी संदेश मिलेगा? लास्ट में जाकर के उनको संदेश मिलेगा। वो संदेश को मानेंगे ही नहीं, कीड़े मकोड़े हैं ना, वो भगवान को थोड़ी मानेंगे। तिरसठ जन्म जो 500 550 करोड़ के ऊपर की आत्माएं हैं, जो 750 करोड़ की लिस्ट में आती हैं, वो 63 जन्म लेंगी। जो द्वापर से जन्म, तो 700 करोड़ की उनकी बात ही मत करो। जो द्वापर से जन्म लेने वाले हैं वो 150, जो आखिरी जो 150 हैं, 100 150 200, उनमें उस लिस्ट में आवेंगे? 500 करोड़ के ऊपर की लिस्ट में आवेंगे? नहीं आवेंगे। तो 33 करोड़ अभी भी आकर के जन्म ले रही है। पर बाकी आत्माओं की तो कैसे होगी? हैं? बाकी आत्माओं की स्थिति कैसे होगी? 500 करोड़ के अभी दुनिया खत्म हो गई? अभी जो आत्माएं उतर रही हैं वो लास्ट में संदेश नहीं लेंगी? संदेश लेंगी तो ज्ञान में नहीं आएंगी, भगवान की बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगी? बैठेगी। सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी या नहीं बनेगी? ब्राह्मण बनेगी तो उनकी शूटिंग भी होगी, थोड़े समय के लिए शूटिंग होगी। अब शूटिंग चाहे थोड़े समय की हो चाहे लंबे समय की हो, चार अवस्थाओं की शूटिंग तो होगी होगी। थोड़े समय में भी चार अवस्थाएं हो जाएंगी, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। कृष्ण का जन्म 2036 में होगा ना? राधा कृष्ण का जन्म सतयुग में जो राधा कृष्ण होंगे ना, हाँ, 2036 में जन्म लेंगे। तो बाबा सतयुग की शुरू की जनसंख्या तो 9 लाख है ना, तो 4.5 लाख बचेंगे। सतयुग की शुरू की जनसंख्या 9.5 लाख है? सतयुग की शुरू की, ये पक्का है कि 9 लाख की जब जनसंख्या होगी तब राधा कृष्ण का जन्म होगा? नहीं, अरे 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं ना, 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं, उनसे जन्म होगा या जो ऊपर से उतरने वाले बच्चों के रूप में जन्म लेते रहेंगे पहले जन्म के अंत में, उनसे उस समय जन्म होगा? 4.5 लाख, 4.5 लाख जो जन्म देने वाले हैं वो भी नंबर वार होंगे या एक जैसे होंगे? उनमें भी कुछ होंगे बर्फ से पहले निकल आवेंगे, कोई कुछ होंगे जो बर्फ से बाद में निकलेंगे। नहीं, कब तक पूरा हो जाएगा? क्या पूरा हो जाएगा? शुरू में ही 9 लाख चाहिए ना। सतयुग की शुरुआत में 9 लाख अगर हो जाएंगे तो जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं वो बीच बीच में आकर के जन्म लेंगी या नहीं लेंगी पहले जन्म में? कृष्ण के बाद जन्म लेने वालों की संख्या कितनी होगी? 4.5 लाख। 4.5 लाख वो तुरंत कृष्ण के जन्म लेने के साथ ही जन्म ले लेंगे या एक जन्म लग जाएगा उनको जन्म लेते लेते? पूरा जन्म लग जाएगा, धीरे धीरे उतरते रहेंगे। बाबा ये जो 4.5 लाख जो आत्माएं हैं जो बीज रूप जैसे जो बर्फ से निकल करके जैसे नंबरवार संसार संसार जैसे बाहर आएंगे, 4.5 लाख कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद से श्री कृष्ण का जन्म होगा? पहले कैसे होगा? निकल आएगा, आठ के परिवार में नहीं आएगा है? आठ के परिवार में कौन? कृष्ण। वो चंद्रमा है, चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? क्या है? सूर्यवंशी है। चंद्र सूर्यवंशी है? चंद्रमा तो स्थापन, चंद्रमा की बात, पहले तो चंद्रमा है ना, पहले चंद्रमा है कि पहले सूर्य है? सूर्य का बेटा है जी। अरे सूर्य तो साकार में बाद में बनेगा, अभी है, अभी क्या है? अभी चंद्रमा है और प्रत्यक्षता होने तक ये क्या बना रहेगा? चंद्रमा बना रहेगा। और चंद्रमा भी जो प्रत्यक्षता होने के बाद बनेगा वो अपने शरीर से बनेगा संपूर्ण चंद्रमा या दूसरे के शरीर से बनेगा? शंकर को जो अर्ध चंद्र दिखाया जाता है वो उनके संपूर्ण स्टेज की यादगार है या अधूरी स्टेज की, अभी के वर्तमान पुरुष की यादगार? तो 18 में जाकर के ब्रह्मा का भी रूप संपूर्ण होगा, विष्णु का भी रूप संपूर्ण होगा,
और शंकर का भी रूप संपूर्ण होगा, और शंकर का जो रूप संपूर्ण होगा उसमें जो दूसरी आत्मा है चंद्रमा वो भी संपन्न स्टेज में होगी, अधूरी स्टेज में नहीं, लेकिन उसका अपना शरीर नहीं होगा, सतयुग में जाकर के अपना शरीर बनेगा। नहीं बाबा, जब सतयुग में जैसे जन्म होगा श्री कृष्ण का, तो उस समय तक कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? 4.5 लाख। अरे क्या मुसीबत आ गई उनको, तो ऐसे शायद कुछ बीज उसके बाद भी ऊपर से आती रहेंगी आत्माएं, आएंगी जन्म के बाद से आएंगी, वो जन्म लेंगी, जन्म लेने वालों की तो कोटि में होंगी या जन्म देने वालों की कोटि में होंगी, जो ऊपर से नीचे उतरेंगी वो सतयुग के आदि में, वो जन्म लेने वाले, वो जन्म लेने वाले की कोटि में हो गई, रचना हो गई, रचयिता हो गए, वो तो रचना है सारे, रचयिता की कोटि की आत्मा थोड़े ही है, बीज थोड़े ही है, बीज का तो कभी विनाश होता ही नहीं है। तो 4.5 लाख आत्माएं कन्वर्ट होंगी शरीर के द्वारा। कौन सी 4.5 लाख? जो चंद्रवंशी है, नहीं जो सूर्यवंशी बचेंगे जन्म देने के लिए। कन्वर्ट होने की बात क्या है, वो तो धीरे 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 अपना पुरुषार्थ पूरा करती जाएंगी, बुद्धि में बात बैठती जाएगी कि वास्तव में हम तो पक्के सूर्यवंशी हैं, क्या हमारे ऊपर तो दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, और छिलका मारे मारे डंडों के उतर जाएगा। फिर तो बाबा साहब 36 में जैसे कृष्ण का जन्म होगा तब तक सारी आत्माएं बीज रूप से नीचे उतर आएंगी ना, तब तक सारी कैसे उतर आएंगी, लेकिन बर्फ में दबी रहेंगी तो फायदा क्या है, धीरे धीरे उतरती रहेंगी, धीरे धीरे बर्फ से बाहर, तो बर्फ से बाहर नहीं निकलेंगी तो उनको गिनती में कैसे शामिल किया जाए फिर 4.5 लाख में? ये किसने कहा कि सतयुग जैसे ही 2029-36 में शुरू होगा, 2036-37 में तो शुरू होते ही 9 लाख आबादी हो जाएगी। 4.5 लाख की बात कर रहे हैं ना, तो 4.5 लाख होंगी तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरेंगी ना, कृष्ण के जन्म तक तो उतर जाएंगी ना नीचे, कृष्ण का श्रेष्ठ परिवार में जन्म होगा या 4.5 लाख परिवार के बीच में जन्म हो जाएगा। श्रेष्ठ परिवार में, श्रेष्ठ परिवार की आत्माएं कितनी है? 8। फिर क्यों ये बात बुद्धि मारी, बात थी वहीं से चली थी ना, 8 में प्रत्यक्ष हो गया, वो जन्म ले लिया उसने, यानी तो बाकी फिर आत्मा 8 में प्रत्यक्ष हो गया, मतलब 8 में आ गया जी जन्म ले लिया उसने, तो टोटल पॉपुलेशन तो दिखने को तो 8 ही होगी। बाबा इनका क्वेश्चन ये है कि जब राधा कृष्ण का जन्म होगा तब पॉपुलेशन कितनी होगी इस धारा पर? जो भी आत्माएं हैं जन्म देने वाली और जन्म लेने वाली, वो उस समय सब प्रत्यक्ष नहीं होंगी, जन्म देने वाले भी जो है वो बर्फ में ढेर सारे दबे हुए, पूरी नहीं ना होने 4.5 लाख भी। शुरू शुरुआत में थोड़ी आबादी होती है या ज्यादा आबादी होगी, थोड़ी जो आत्माएं कड़क जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है वो लास्ट में जाकर के 36 में जाकर के संपन्न बनेंगी या पहले ही 18 में संपन्न बन जाएंगी। हाँ ना करो ना जल्दी, 36 में जाके तो लास्ट में संपन्न बनेंगी, तो लास्ट में पहले जन्म के लास्ट में जाकर के जन्म देने योग्य बनेंगी, शुरुआत में कैसे बन जाएंगी? हाँ शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय कुछ होता नहीं है, बीज रूप आत्मा ही शैव संप्रदाय है, अघोरी होते हैं, अघोरी होते हैं, कोई बात हुई अघोरी साधु, अघोरी क्या होता है? साधु होते हैं जो राख मल के रखते हैं। साधु तो अनेक प्रकार के होते हैं, अघोरी ही सिर्फ साधु होते हैं। अघोरी की बात कैसेट, अघोरी की बात मुरली में तो आई नहीं है, क्या अघोरी होते हैं माने बाहरी, बाहरी जो शुद्धि है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, जो अंदरूनी शुद्धि है उसके ऊपर ध्यान जास्ती रहता है। वैष्णव संप्रदाय बाहर की भी शुद्धि देखते हैं और अंदर की भी शुद्धि देखते हैं, तो बाहर की शुद्धि देखना अच्छी बात है खराब बात है? हैं? कोई बाहर की शुद्धि ज्यादा रखे और अंदर की शुद्धि पर ध्यान न दे तो अच्छी बात है खराब बात है? ये तो खराब बात हो गई, बाहर की शुद्धि भी रखनी है और अंदर की शुद्धि भी रखनी है। बाहर की शुद्धि माने बाहर से जो हमें साकार में संग मिला हुआ है, हाँ उसका भी ध्यान रखें, अंदर से हो जो हम बाबा की याद रखते हैं
उसका भी ध्यान रखें तो बाहरी शुद्धि अच्छी हो गई, अंदर की शुद्धि भी अच्छी हो गई। बाहर से हम संग का रंग लेने की ध्यान न रखें और अंदर से हम खूब याद करें तो कमजोरी आएगी या कमजोरी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। जैसे हद का दिन, हद का अमृत वेला और बेहद का अमृत वेला, कोई बेहद का अमृत वेला की जाए और ज्यादा ध्यान दे कि हम पुरुषार्थ करेंगे बेहद के अमृत वेले में, और हद का अमृत वेले को त्याग दे तो घाटे में आएगा या फायदे में रहेगा? घाटे में आ जाएगा। बेहद का अमृत वेला भी करना है और हद का अमृत वेला भी करना है। हद का अमृत वेला, बेहद का अमृत वेला बाबा ने समझाया। सवेरे को सुबह 1-2 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक जब तक सूर्य उदय होता है उससे पहले का जो टाइम है वो हद का अमृत वेला है। और भगवान ज्ञान सूर्य जब प्रत्यक्ष होता है दुनिया में, प्रत्यक्ष होने का टाइम है, वो सब बेहद का अमृत वेला है। प्रत्यक्षता की शुरुआत कब से होती है? 76 से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष की शुरुआत हुई। और संपन्नता कब हो जाती है? 2018 में संपूर्ण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो 2018 से पहले का जितना भी टाइम है 76 तक, वो सब क्या हो गया? बेहद का अमृत वेला हो गया। उस बेहद के अमृत वेले में कोई आराम से सोता रहे कुंभकर्ण की नींद, तो फिर क्या होगा? तो सारा ही गया। और 76 से पहले अमृत वेला करता रहे, ज्ञान तो पूरे समझ में आया ही नहीं 76 से पहले, बाप की पहचान तो पूरी हुई नहीं। कुकड़ वाली बात है। और एक बाबा योग युक्त होकर ज्ञान सुनाओ तो तीर लगे। बिल्कुल। तो जब किसी को ज्ञान सुनाया, कोई निकल भी आता है कोई नहीं निकलता, तो सुनाने वाले को कैसे पता चले कि मैं योग युक्त होकर सुनाया या अच्छी सफलता हो रही है, अच्छी अच्छी आत्माएं निकल रही हैं, ज्ञान को अच्छा उठा रही है, रेगुलर स्टूडेंट बन रही है, दूसरों की सेवा बहुत कर रही है, तो क्या समझना चाहिए? योग युक्त होकर सुनाया। तो हमने योग युक्त होकर समझाया और हम सेवा तो बहुतों की, लेकिन निकले एक भी नहीं। ऐसे भी हो सकता है बाबा, दूसरे दूसरे धर्मों की जैसे होती है वो तो निकल नहीं पा रही। हाँ, तो दूसरे धर्मों की भी अगर आत्माएं निकल रही है तो क्या समझे? निकलती तो दूसरे धर्मों की भी नहीं निकलती, तो समझ सकते हैं ना कि हमने कैसा पुरुषार्थ किया। जो आत्माएं आप शरीर छोड़ रही हैं, जो आत्माएं आप शरीर छोड़ रही हैं, चाहे वो ज्ञान में चल रही हैं, हाँ, तो उनका आप जन्म दोबारा होगा या नहीं होगा? अरे, जो आप शरीर छोड़ रहे हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होगा? हाँ, ब्रह्मा बाबा को याद करने वाली जो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, उनका दोबारा जन्म उनका नहीं होगा। जिन्होंने ब्रह्मा को ही भगवान समझ लिया, पक्का निश्चय है कि ब्रह्मा में ही भगवान आता है और कोई में भगवान नहीं आता, वो अगर शरीर छोड़ देंगी तो कोई ना कोई में प्रवेश, ब्रह्मा सरस्वती की तरह प्रवेश करके पार्ट बजाती रहेंगे, उनका अपना शरीर नहीं मिलेगा जब तक टोटल विनाश दुनिया का ना हो। बाबा सावन के महीना में तीर्थ स्थान जाते जाते हैं, तीर्थ करने जाते जाते हैं, और दूसरे महीना में क्यों नहीं ऐसे क्या? तुम्हें पता नहीं कि बरसात कौन से महीने में ज्यादा होती है? तो ज्ञान बरसात कौन से महीने में ज्यादा होती है? है? ये श्रावण का महीना है, सारा संगम योग है। श्रावण के महीने में विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा होती है।
और वो तो हिस्ट्री वाले ही बताते हैं 5000 साल पुरानी। उसे 5000 साल से पुरानी ज्यादा कोई चीज मिली नहीं है। क्या मकान वगैरह बने हुए हैं जमीन से निकले ना। हाँ। तो क्या हुआ 2500 साल पहले मकान नहीं बनाते थे, जंगल में घूमते थे क्या? 2500 साल जो हिस्ट्री है उसमें मकान नहीं बने हैं दुनिया में? बनी बनाई गुफाएं मिलती थी क्या? अरे जंगल में रहते थे या मकान बना के रहते थे 2500 साल के अंदर? अरे मनुष्य को मकान बनाना पड़ता था या बना बनाया मिलता था? बनाना पड़ता था। त्रेता में तो बढ़िया बढ़िया गुफाएं बन जाती हैं प्रकृति के द्वारा, उन गुफाओं में हीरे लगे रहते हैं, वो हीरे ऑटोमेटिक रोशनी देते रहते हैं और फिर वहां मकानों की दरकार भी नहीं है। मकान किस लिए बनाए जाते हैं? सर्दी गर्मी बरसात से बचाव के लिए बनाए जाते हैं। मकान बनाए जाते हैं अपने देह अभिमान को छुपाने के लिए। वहां कर्मेंद्रियों में देहभान आता है क्या? नहीं आता। तो वहां तो मकान और दूसरे चोर चकार से बचाव के लिए मकान बनाए जाते हैं कि जब तक दीवाल ईवाल तोड़े तब तक जग जाए। वहां तो ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए मकान बनाने की कोई दिक्कत जहमत ले मोल लेते नहीं। और कितने साल पुरानी है? कितने साल पुरानी? ज्यादा से ज्यादा 5000 साल पुरानी बेबीलोन की टिकिया मिली है बस, वो भी उनकी गणना है। 2500 साल पहले की बातें हैं सब। 5000 साल पहले तो मकान होंगे ही नहीं, 5000 2500 साल की जो मूर्तियां वगैरह मिली हैं नग्न मूर्तियां वो भी कब बनी है? 2500 साल 2500 साल के अंदर। त्रेता में गद्दी दिखाई है कितना है? त्रेता में गद्दी दिखाई है। गद्दी? हाँ। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि शासन करने की जरूरत कब पड़ती है? शासन करने वाला राजा गद्दी पे शासन करने के लिए बैठे, वो शासन करने की जरूरत कब है? जब अनुशासनहीनता हो तब, या जब अनुशासनहीनता एक कला भी नहीं होती तब है? जब अनुशासनहीनता बढ़ती है, दो कलाएं कम हो जाती हैं, तो अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है। तो राम सीता को गद्दी पे बैठा हुआ दिखाया गया, कंट्रोल करो भाई। जैसे एकदम आ जाते हैं क्या? हाँ धीरे धीरे, पहले जन्म में टाइम लगता है। इकट्ठा हो जाते हैं। और क्या है? और क्या है? वो संगठित होके नहीं रहेंगे तो क्या बिखरे हुए रहते हैं दुनिया में? अरे दुनिया में स्वर्ग है ही भारतवर्ष में, तो कहाँ रहेंगे? भारत में ही रहेंगे। और इस भाई का बाबा परम था कि एक जैसे क्षेत्र में कि जैसे पूरे भारत में कहीं 10-20 कहीं 10-20 कहीं। हाँ हाँ कहीं भी हो, उनके अंदर आत्मा की जो खिंचाव है, जो पुरुषार्थी जीवन में बीज पड़ चुका वो उनको उस खिंचाव के पास ले जाएगा, उसी स्थान पे जाके इकट्ठे हो जाते यहाँ जिस रथ में उसको जाती है। हाँ जी हाँ जी। बाबा जितनी सारी भारतवर्ष की भूमि है वो सारी स्वर्ग स्वर्ग में आएंगी? सारी थोड़े ही आएंगी, दक्षिण भारत को भारत का स्वर्ग थोड़े ही बताया, और पूर्व पश्चिम दक्षिण भारत को भारत का विदेश बताया। पूर्व पश्चिम बोल है, पूर्व पश्चिम आएंगे बाबा? पूर्व पश्चिम की बात नहीं, दक्षिण भारत बताया। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और विदेश तो पहले नष्ट होता है या स्वदेश नष्ट होता है? विदेश नष्ट हो जाता है। कविता की बात कौन सी दिखाई गई? अरे दुनिया में द्वापर युग में जब 500 साल बीत गए द्वापर युग में,
तो अपवित्र दुनिया में आत्माएं ज्यादा थी या नहीं थी? अपवित्रों की संख्या थी या नहीं थी? और क्राइस्ट पवित्र आत्मा आई या अपवित्र? पवित्र आत्मा आई। तो पवित्र आत्मा की तरफ, पवित्र आत्मा जो उस समय की अपवित्र आत्मा है उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो करेगी तो उनके साथ अपवित्रों जैसा व्यवहार करेगी, जैसे अपवित्र होते हैं अपवित्र लोग, पतित लोग, उनकी कर्मेंद्रियां जैसे दुष्ट कर्म करती है ऐसे कर्म करेगी या श्रेष्ठ कर्म करने वाली होगी? श्रेष्ठ कर्म करने वाली होगी। वो कर्मेंद्रियों से दूसरों को दुख देने वाला नहीं था क्राइस्ट, भले किसी के शरीर में प्रवेश करके अनेक आत्माएं उसकी तरफ आकर्षित हुई, ढेर सारी कन्याएं माताएं चारों तरफ से इकट्ठी हो गई, तो भी वो दुख देने वाला नहीं था। लेकिन दूसरे लोग क्या समझते थे? जैसे हम पतित विकारी हैं ऐसे ये भी सबके साथ पतित विकार भोगता होगा, तो उसको सूली पर चढ़ा दिया। जो बात क्राइस्ट के लिए लागू होती है वही बात संगमयुगी कृष्ण के लिए भी लागू होती है। उसको स्थूल सूली पर चढ़ाया गया और कृष्ण को सूक्ष्म सूली पर लटके रहा परम धाम में, याद में और कुछ नहीं, दुनियादारी खत्म। आपको इतने दिन ज्ञान में चलते हुए हो गए, आपको ये नहीं पता चला कि द्रौपदी कुंड है कि नहीं है? द्रौपदी ने उस स्थूल द्रौपदी कुंड में से जन्म लिया या कोई ज्ञान का कुंड था? ज्ञान का। तो ऐसे ही वो ज्ञान का पुल था या कोई स्थूल पुल था? ज्ञान का पुल। हैं? ये बुद्धि में नहीं बैठा अभी तक? पुल तो है। हैं? बाबा द्वापर में इब्राहिम की सोल जब आती है नीचे प्रवेश करती है और राजा विक्रमादित्य, इसमें कितना अंतर होगा? राजा विक्रमादित्य बाद में, तो इब्राहिम की सोल तो ठीक 2500 साल पहले इस षष्ठी पर आ चुकी, जब आती है तब षष्ठी का पतन शुरू होता है। तो बाबा वैश्य वंश जो है तो कब से शुरू होता है? जब से विषय विकार शुरू होते हैं। तो फिर शुरू से ही हो गया द्वापर। वैश्य का अर्थ ही है विषय विकारों की औलाद। तो बाबा पहला वैश्य कौन हुआ फिर? पहला वैश्य प्रजापिता नहीं, वहां पे विक्रमादित्य जैसे। हाँ हाँ, ब्रजा विक्रमादित्य का भी बाप कौन है? उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? हैं? पढ़ने वाला ज्यादा पतित होता है या पढ़ाने वाला ज्यादा पतित होता है? हैं? कौन पतित होता है द्वापर युग में? पढ़ाने वाला ज्यादा पतित होता है, वही पढ़ाई पढ़ाता है। बिल्कुल। अरे व्यास का पार्ट किसका होगा? राम वाले, जिसने यहाँ बहुत ज्ञान उठाया होगा वो वहां भी अज्ञान बहुत उठाता है। अगर सारे ज्ञान में से, सारे शास्त्रीय ज्ञान में से परमात्मा की पहचान की बात उड़ गई तो ज्ञान हो गया कि अज्ञान हो गया? अज्ञान हो गया। बाबा 18 में ब्रह्मा सो विष्णु बन सकती है, वो एक ही है, एक पर्सनालिटी के रूप में, और एक एक आत्मा ऐसी है कृष्ण की आत्मा जिसकी अपनी पर्सनालिटी नहीं है, अपनी सूक्ष्म पर्सनालिटी है। तो फिर वो क्या काम करेगी? वो उसी शरीर के द्वारा कृष्ण के रूप में पाठ बजाएगी, गंदा पाठ नहीं बजाएगी, काले कृष्ण का पाठ नहीं बजाएगी, दुनिया ढोल पीटे अरे 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 अरे, अरे, अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अखबार बुंकारा नहीं भरेंगे, रहेगी उसी शरीर में, रहेगी उसी शरीर में। अंतर ये होगा कि राम वाली आत्मा जो शंकर का पाठ बजाने वाली है वो बैल के ऊपर सवारी कर लेगी हाई जंप लगा के। और बाबा ये प्रसाद प्रसारण से बाद भी चलेगा? हैं? प्रसाद प्रसारण के बाद भी चलेगा? पुरुषार्थ जो प्रसाद कर रहा है 18 के बाद भी चलेगा? अच्छा, आपका पुरुषार्थ 18 में ही पूरा हो जाएगा? नहीं वैसे आप तो नारायण बन जाएंगे फिर। नहीं हैं? वो नंबर आप समझिए ना।
18 के बाद पुरुषार्थ किनका पूरा हो जाएगा और किनका अधूरा रह जाएगा? किसका पूरा होगा? जो नई दुनिया में कृष्ण के परिवार के भांति होंगे, सजाए नहीं खाने वाले होंगे, उनका पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा और बाकी सबका पुरुषार्थ भी चलता रहेगा और साथ साथ सजाएं भी शुरू हो जाएंगी। सजाएं 18 से बाद समझे, 18 से बाद से तब तक आराम से चैन की नींद सो। अभी भी तो मिल रही है साहब, हैं? अभी भी तो कर्म हो सकते हैं। जो माउंट आउट में बाबा ब्रह्मा बाबा क्या वो फिर 18 तक आएंगे? आपको परेशानी क्या हो रही है? आपके लिए तो माल मिल रहा है ना, उस वाणी में भी अच्छी बातें मिल रही कि नहीं मिल रही? फिर बाबा चैन की नींद तो सूर्यवंशी बच्चे ही सोएंगे ना, सोने का टाइम है जो सोएंगे? चैन की नींद तो कृष्ण की आत्मा ने सोया कब तक है? 1969 तक, 18 जनवरी तक चैन की नींद सोया कि नहीं सोया? पुरुषार्थ जो किया वो चैन की नींद में किया या भागदौड़ की दुनिया थी उनके लिए? उनके मुकाबले राम की आत्मा के लिए अभी चैन की नींद सोना है कि भागदौड़ की दुनिया है? फिर तो जब बाप के लिए ही नहीं है चैन की दुनिया तो बच्चों के लिए कहाँ से आ जाएगी? पाप कर्म भी करते जा रहे हैं अब फिर कहते हैं हम चैन की नींद सोएंगे? दोनों हाथों में लड्डू। आत्माओं के बाप को याद करना चाहिए, दो दूसरे को याद करने की जाए, वो तो पतित है। पतित को याद करना है या पावन को याद करना है? पावन बाप कौन है? शिव बाप। तो उसके कर्म याद करेंगे कि नहीं? कर्म याद करेंगे। कर्म साकार में होंगे या बिंदी का फुदुक फुदुक नाचेगी? कर्मों का फल साकार को मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल या निराकार बिंदु को मिलता है? साकार को मिलता है। बाबा जी, दादी का 13 दिन का संदेश है तो उसमें बोला कि दादी के स्वागत के लिए एक तरफ प्रकृति खड़ी है और एक तरफ एडवांस पार्टी खड़ी है और देवता खड़े हैं। तो एडवांस पार्टी और प्रकृति तो समझ में आया, लेकिन देवता कहाँ से आए बाबा? जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं एडवांस पार्टी में वो देवात्माएं नहीं है? जो एडवांस पार्टी में प्रवेश कर रही है, जो एडवांस पार्टी में जो आत्माएं प्रवेश कर रही है वो देव आत्माएं नहीं है? हैं? अरे ब्रह्मा की सोल जो प्रवेश कर रही है वो देव आत्मा नहीं है? अगर देव आत्मा नहीं है तो जो वाणी चल रही है गुलजार दादी में वो दिव्य गुणों की वाणी चल रही है या ज्ञान की वाणी चल रही है? देव आत्मा दिव्य वाणी चलाएगा या ज्ञान की वाणी चलाएगा? देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं, होता है? देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं, वो कहाँ के रहस्य की बातें बताएंगे? अभी तो ले रहा है। क्या रहस्य की बातें बता रहे हैं? ज्ञान तो ले रहा है। ले रहा है तो जितना लेने वाला ज्यादा होशियार होता है या देने वाला ज्यादा होशियार होता है? तो पढ़ने की स्टेज पर रहेगा, टीचर अपनी टीचर की स्टेज पर रहेगा। टीचर 100% मार्क्स क्या स्टूडेंट को दे देता है क्या? नहीं। अब ब्रह्मा की सोल तो सबसे ज्यादा जन्म मरण के चक्कर में आ रही, सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय किसको चढ़ रहा है? ब्रह्मा को। माया जानती है, इसको पढ़ लिया तो सबको पढ़ लेंगे। तो सबसे ज्यादा वार कौन सी आत्मा के ऊपर होता है? उसी आत्मा के ऊपर ज्यादा वार होता है माया का।
चार हो गया, फिर सबको देर हो जाएगी।